अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका फरहान जावेद और आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बना के दिखाएंगे जो शायद आप लोगों ने पहले बनाई हो लेकिन भूल गए हों। हम फिर रिपीट करेंगे और आज चलें वीडियो बनाते हैं। आज हम बनाएंगे आलू पपीता, जो आपको दिखाई जाएगी आलू पपीता बनता कैसे है और उसके बाद खाते हम कैसे ये भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लो जी, ये पपीते को छील लिया गया है। अब आलू छील रहे हैं, फिर इसकी छोटी छोटी कटिंग की जाएगी, उसके बाद डालते हैं। चलो, लो जी, ये कटिंग हो गई है पपीते की और आलू भी बीच में। ये टमाटर भी काट लिए गए हैं। ये पेस्ट है, ये डालेंगे आप। ये डालो, ये पेस्ट डाली जाएगी सीधा ऑयल में। पहले ऑयल गर्म करके थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन की ये पेस्ट डाल दी गई। बेदाव लंगरी सोटा, ये ना लंगरी सोटा भी डाल के देखते हैं कि गल नहीं रहा। और उसके ऊपर साथ टमाटर, अब हल्की आंच पे इसको ज़रा थोड़ा सा गाल लिया जाए, जहाँ के ये जो टमाटर का है ना, थोड़ा थोड़ा ये गल जाए बस। लो जी, ये हो गया हल्का हल्का। साथ ही अब इसको आलू भी और पपीता दोनों डाल देंगे इकट्ठे ही। उसको ज़्यादा गालना नहीं है किसी को भी, ना टमाटर पेस्ट को ना टमाटर को। तो साथ ही इसको डाल दिया जाएगा सारा, और साथ में पाउडर मिर्ची लाल वाली, ये जो है खाने का छोटा चम्मच जो है, एक ही भर के बस डालना है। हमारे पास चम्मच छोटा है इसलिए। ऊपर से ये नमक हसबे ज़रूरत, जितना आप खा सकते हैं, वरना दबा के खाएं, बीपी हाई करके एक दूसरे का जनाब सर फड़ा जाए। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब इसको ऐसे ही बंद कर देंगे ढक्कन। लो जी, अभी तकरीबन 2-4 मिनट कुछ रखे हैं ऐसे ही, ताकि थोड़ा नरम पड़ जाए नीचे में। अभी इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढक्कन दे के तकरीबन 15 से 20 मिनट हम लोग छोड़ देंगे इसको गलने तक। सही से 15-20 मिनट में ये गल जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर इसका बताएंगे क्या करना है। ये नरम हो गया, अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐड करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये तकरीबन आधा पौना गिलास पानी डाला इसमें और इसको अभी हिला लेंगे। ये नरम तकरीबन हो गया थोड़ा थोड़ा, तो इसको भी हिला के फिर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी इसको पानी लगा दिया गया और अभी इसको दम देंगे, ताकि तकरीबन कुछ 10 मिनट और इसको दिए जाए गलने के लिए। ये तकरीबन गल चुका सारा ही। अभी इसको तड़के की बारी है, तो ये अलग ऑयल डाल लिए और इसमें ऐड करेंगे हम लोग ये ज़ीरा। और ज़ीरा ऐड करने के बाद ये हम लोग ज़ीरा डालेंगे अभी इसमें। हाँ डाल, और ये 3-4 हरी मिर्चें ये भी ऐड करेंगे इसी में, और साथ में एक प्याज ले लें छोटा सा, उसको काट के वो भी ब्रिक ब्रिक काटना है और वो भी डाल देना है इसमें। बस एक बार नमक चेक कर लीजिएगा, ये सूखा धनिया साबुत, काली मिर्च और 2-3 लौंग ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। और ये 2-3 इलायची डालेंगे खुशबू के लिए। अब ये भी रेडी है, इसको बस थोड़ा थोड़ा ब्राउन करेंगे अभी इसमें, फिर ऐड कर देंगे। ये हो गया था ब्राउन, अभी इसमें ऐड कर लेंगे। अभी तड़का लगा के इसमें डाल दिया। अभी मज़ीद 5-10 मिनट इसको
देखेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद उतार लेंगे। ये अभी नरम पड़ गया, अभी मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन एक गिलास, पौना गिलास, एक गिलास तकरीबन और पानी डाल दिया इसमें, और अभी इसको थोड़ा सा हिला के फिर इसको दम देंगे। ये एक चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको ढक्कन देके दम दे देंगे फिर से तकरीबन 5 से 8 मिनट। लो जी, ये पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख लें, बिल्कुल गल गया और पूरी तरह रेडी है। खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। अब इसको खाया जाएगा। तो लिहाजा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको नई नई रेसिपी बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।